कि जो स्थिति अभी बिहार में है, कोशिश जरूर की जा रही है सरकार की तरफ से तमाम मदद मुहैया कराने की, नीतीश कुमार इसके लिए प्रतिबद्ध भी हैं, लेकिन कई इलाके ऐसे भी हैं सर जो अभी छूटे हुए हैं, उनको किस तरह से आप लोग चिन्हित कर रहे हैं और किस तरह से जल्द मदद पहुंचाने की कोशिश है? देखिए, मदद पहुंचाने के लिए सरकार पूरे तरह से प्रतिबद्ध है और ख़ास के आपदा से जो भी पीड़ित हैं उनको लगता है कि ऐसा कोई जगह नहीं है, चाहे बाढ़ में फंसे हुए लोगों को निकालने की सवाल पर हो या फिर लोग ऊंचे स्थान पर आ गए, सारे लोगों को सरकार स्तर पर जो राहत चाहिए, जो सुविधा चाहिए वो मुहैया कराया गया। आप अभी देखिए, पहला बार ऐसा हुआ है कि आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज पहला बार 3,02,329 लोगों को, जो सत्यापित परिवार था, उनको ICICI बैंक के द्वारा सीधे उनके खाते सरकार पूरी तरह से सजग है और सरकार चाहती है कि कोई भी असुविधा पीड़ित को नहीं हो। ये पहला बार हुआ है जो आपदा हुई और उसके बाद सजग रातों रात सारा व्यवस्था और सारा राहत शिविर या राहत पहुंचाने के लोगों तक चली गई सुविधा सरकार के द्वारा जो हुई था। लक्ष्मेश्वर जी, एक खबर हमने दिखाई थी जी बिहार झारखंड ने, जिस तरह से चूहे खाने की नौबत आपदा जो प्रभावित है उनको आ गई थी, उनके पास राशन नहीं पहुंच रहा था, उसको लेकर क्या कुछ एक्शन लिया गया है? इसको लेकर राबड़ी देवी ने भी सवाल खड़े किए थे। हमको लगता है कि सरकार पूरे तरह से, प्रशासन पूरे तरह से चौकस है और हम लोग के नज़र में ऐसा कोई सा जगह नहीं है जहां अछूता हो, चाहे जो जिला हो। बारह जिला में हमको लगता है स्वयं सारा प्रशासनिक रूप, प्रशासनिक महकमा पूरे चौकस है। खुद हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं वो चौकस है सब तरह से। हमको लोगों को ऐसा नहीं लग रहा है कि रात में सरकार स्तर पर कोई कमियां हो रही है। लेकिन सर, अब कटिहार का ये मामला था, हमने प्रमुखता से खबर दिखाई थी और राबड़ी देवी ने भी ट्वीट कर ये कहा था कि इस सरकार में लोगों को चूहे खाने की नौबत आ रही है, तो हम चाहेंगे कि उस पर आप संज्ञान लें। जी बिहार झारखंड की आपसे अपील है, आप चाहेंगे तो डिटेल्स भी आप तक पहुंचाई जाए। देखिए, चूहा तो अब मिलता भी नहीं बाढ़ में, कहाँ बाढ़ में चूहा मिलेगा? चूहा बाढ़ में रहता है, वो तो पहले भी भाग जाता है। अब चूहा उन लोग को दिखाई पड़ रहा है जो कभी, आपको लगता है कि कभी बाढ़ आती थी तो लगता था कि भाई गंगा मैया घर तक दस्तक देने आती, तो उनका नज़रिया अपना है। हमारा नज़रिया है कि राहत लोगों तक पहुंचने की गारंटी हो, सरकार पहुंचा रही है। हम लोग के नज़र में सरकार, आप समझिए कि माने छोटा अंतराल में आज सरकार हर घर तक, हर परिवार के बीच तक उनके उनके खाने के लिए, कपड़ा के लिए, बर्तन के लिए 6,000 रुपया उनके खाते में 48 घंटा में पहुंचा रहे। आज अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उनको आज शुभारंभ कर दिया और यहां से 3,02,329 लोगों के आज तक चला गया। जो भी लोग आए आज से शुरू हो गया, तब इसको क्या कहेगा? इससे तो बढ़िया सुविधा हमको लगता है क्या हो सकता है? आप ही कुछ एक बताइए कि और दूसरा क्या रास्ता हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन हम चाहेंगे कि कटिहार की पूरी जानकारी हम जरूर आप तक उपलब्ध करवाएंगे, क्योंकि ये मामला वाकई सामने आया था, हमने खबर भी दिखाई थी और इस पर रिएक्शन भी विपक्ष की तरफ से सामने आए थे। ठीक है, यदि कोई ऐसा जानकारी है तो आप बस एक आश्वासन दे दीजिए जो लोग अगर जुड़े होंगे कटिहार के, जिनको ये मुसीबत देखनी पड़ी, अगर आप जी बिहार झारखंड के जरिए उन्हें ये सिर्फ आश्वासन दे दें कि सरकार मदद पहुंचाएगी, बस इतनी सी अपील है सर। निश्चित कोई कसर उसमें नहीं रहे। बिल्कुल लक्ष्मेश्वर जी, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, ये जो मुसीबत है ये इस साल नहीं आई है सिर्फ, ये हर साल की मुसीबत है। हर साल बाढ़ से बिहार प्रभावित होता है, ऐसी विभीषिका होती है, ऐसी तबाही होती है कि बहुत नुकसान होता है। 14 साल हो गए हैं नीतीश कुमार को राज करते हुए, विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि 14 साल में कितनी बेहतरी आई है, स्थिति कितनी बेहतर हुई है, हर साल हमें बाढ़ की विभीषिका झेलनी पड़ती है, इससे निकलने के लिए क्या एक एक्शन प्लान तैयार करेगी सरकार जिससे अगले साल ऐसी स्थिति ना हो? आपको पता है कि जून के महीना में बिहार सरकार द्वारा बाढ़ और सुखाड़ दोनों की स्थिति में सरकार पूर्णतः तैयार थी और हर जिला में एनडीआरएफ की टीम, हर जिला में जो दैनिक उपयोगी चीज है ऐसा आपदा समय में, वो सारे जगह सरकार जून में ही पूरे तरह से तैयार थी। अब रही
बात जो कहीं ऐसा लग रहा है आपको कि कोई अछूता जगह है तो उसको आप जानकारी में लगा तो हम लोग उस पर तुरंत एक्शन लेंगे और सरकार पूरी तरह से चौकस है और प्रशासनिक रूप से चौकस है। बिल्कुल, जो तमाम योजनाएं आप लोग चला रहे हैं, आज आपने खास तौर से जिक्र भी किया है कि नीतीश कुमार ने 3000 हर किसी के खाते में डालने की कोशिश की, पहली बार ऐसी कोई पहल की गई है, ये पहल बिल्कुल काबिले तारीफ भी है, तो आपको लगता है इसको और पहला बार जी आपने बताया कि पहली बार ऐसा कुछ हुआ है, ये कदम वाकई काबिले तारीफ है, बिहार झारखंड इसकी सराहना भी करता है। और सर ये समझना चाहेंगे क्या अब इसी तरह का कुछ आप लोग एक्शन प्लान पहले से बनाएंगे या अब आप लोग इसमें और कुछ बेहतरी करेंगे जिससे कि जो पीड़ित हैं उन्हें सीधे सीधे लाभ मिले, क्योंकि ऐसे कई इलाके अभी भी हैं जहां पर लोग पानी में फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए कोई मदद नहीं पहुंच रही है। ऐसा कुछ हम लोग के नज़र में तो नहीं दिखाई पड़ रहा है, यदि ऐसा होगा तो आप लोग जानकारी दें, आपके माध्यम से हम लोग चाहेंगे कि वैसे लोग अछूता नहीं रहे। लेकिन खास के आपने कटिहार मसले पर बोले हैं तो कटिहार में शीघ्र हम इसको ये करते हैं और कोई लापरवाही इसमें नहीं है। हमारे स्तर से सरकार स्तर पर पूरे तरह से चौकस है और ये तो कहे कि हमको लगता है कि जो स्थिति आज 11 बजे से शुरू हुआ है हर घर तक 6000 पहुंचने का, हम लोग चाहेंगे कि शीघ्र ही ये पहुंच जाए। कटिहार भी संयोग से आज वो नहीं हुआ है, लेकिन कटिहार भी चाहेंगे कि कटिहार पहले से ही बाढ़ पीड़ित रहा है, हम चाहेंगे कि कोई समस्या उनके बीच में नहीं रहे, हम इसके लिए शीघ्र ही पहल करेंगे। सर विपक्ष लगातार इस मामले का राजनीतिकरण कर रहा है, उनको कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए राजनीतिकरण तो करते हैं लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी का साफ कहना है जो खास के आपदा पीड़ित जो भी है उसके लिए सरकार की खजाना पर पहला अधिकार है और स्वयं मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री जी 24 घंटा मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब विपक्ष क्या कर रहे हैं, अब चूहा को याद तो आपको याद होगा कि उनकी कहानी चूहा खाने से लेके उनका अपना कहानी है, वो लोग चूहा खिलाते हैं, अब तो चूहा मिलता भी नहीं है, बाहर में कहाँ चूहा रहेगा। तो अब उन लोग की कहानी छोड़िए, अब सहयोग करिए कि बढ़िया से बढ़िया लोगों को राहत मिले, लोग शीघ्र ही आपदा से निर्मित होके और अपना पुनः सुंदर लाइफ में व्यक्तिगत अच्छा लाइफ उनका शुरुआत हो जाए जल्दी। बिल्कुल बहुत शुक्रिया लक्ष्मीश्वर राय साहब, जल्दी शीघ्र ही उन लोग को निर्मित होकर। बिल्कुल, कटिहार की पूरी जानकारी हमारे सहयोगी जो आपके साथ वहां मौजूद हैं वो आपको देंगे और उम्मीद करेंगे उन तक भी ये मदद पहुंचे। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए जी बिहार झारखंड से।